नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, 80s का मशहूर शो रामायण छोटे पर्दे पर अत्यंत हिट रहा था। इस शो ने टीवी इंडस्ट्री में सफलता की नई बुलंदियों को छुआ। लॉकडाउन के चलते एक बार फिर रामायण प्रसार भारती और डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस महान धारावाहिक रामायण में श्री राम का रोल अदा करने वाले अदाकार की, जिनका असली नाम है अरुण गोविल। अरुण गोविल ने हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु और उड़िया में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान दी रामानंद सागर के शो विक्रम बेताल और रामायण ने। श्री राम का किरदार तो इतना बखूब रहा कि इनकी शक्ल देखकर श्रद्धा का भाव खुद उत्पन्न हो जाता है। आज भी जब इनके गुजरे वक्त की तस्वीर सामने आती है तो भक्ति भावना से मन भर जाता है। अरुण जी मेरठ में बीएससी करके 1974 में मुंबई आ गए। ये मुंबई आए तो थे अपने भाई के बिजनेस में हाथ बटाने, लेकिन इनका रुख थिएटर की तरफ मुड़ गया और इसका कारण था एक्टिंग का शौक। दरअसल अरुण जी ने कॉलेज में बहुत सारे नाटकों में काम किया था और एक्टिंग उनका पैशन सा बन गया था, इसलिए मुंबई में आकर इन्होंने रुख किया सिनेमा का। हालांकि इनके पापा चाहते थे कि अरुण भी सरकारी नौकरी ही करें, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई आकर अरुण जी को पहली बार साइन किया गया 1977 में और फिल्म का नाम था पहेली। फिल्म में अरुण जी ने सपोर्टिंग रोल किया जो कि बहुत छोटा था, पर इनका काम इतना पसंद किया गया कि इनको बतौर हीरो 3 मूवीज के लिए साइन किया गया। 1989 में आई ये मूवीज थी सावन को आने दो, राधा और सीता, सांच को आँच नहीं। सांच को आँच नहीं काफ़ी हिट हुई और अरुण जी को फिल्म जगत में एक ठीक ठाक पहचान मिली। फिर 1983 में अरुण जी श्रीदेवी के साथ हिम्मत वाला मूवी में भी नज़र आए। 1987 में रामानंद सागर के सीरियल विक्रम बेताल में राजा विक्रमादित्य का रोल अदा करके उसके बाद अरुण जी आए रामायण में श्री राम बनकर। श्री राम का किरदार काफ़ी टफ था, पर अरुण जी की नायाब स्माइल से बड़ी सरलता से निभ गया। हालांकि श्री राम के रोल से स्टारडम पाने के बाद अरुण जी को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का कहना था कि लोग जिनके पांव छूते हैं उन्हें फिल्मों में रोमांस करते हुए नहीं दिखाया जा सकता। तो अंततः राम का किरदार इन पे सदा सदा के लिए हावी हो गया। फिर अरुण जी ने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा और प्रोड्यूसर बन गए। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। तो आइए फ्रेंड्स, अब डालते हैं एक नज़र अरुण गोविल के लाइफस्टाइल के बारे में। रियल नाम है अरुण गोविल और डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1958। उनकी उम्र है 62 ईयर्स और जन्म स्थान है यूपी का मेरठ। उनकी फैमिली में है उनके पापा का नाम श्री चंद प्रकाश गोविल, जो कि एक सरकारी अफसर थे। उनकी पत्नी जिनका नाम है श्री लेखा गोविल और जो थी अपने ज़माने की एक डिज़ाइनर और एक्ट्रेस। उनके बेटे जो कि हैं एक बैंकर, उनका नाम है अमल गोविल और ये मुंबई में ही काम करते हैं। उनकी बेटी का नाम है सोनिका गोविल जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं। अब बात करते हैं अमिल गोविल की एजुकेशन की। उनकी एजुकेशन है ग्रेजुएशन, उन्होंने बीएससी की है और ये बीएससी उन्होंने की है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से। हिंदू बाय रिलीजन, सनशाइन इज कैप्रिकॉन एंड ही इज इंडियन बाय नेशनैलिटी। Standing 5 feet 10 inches tall, 82 kg weight, and he is right-handed. Paper white hair, black eyes. He is non-vegetarian. Arun Govil ji ko पढ़ने का और म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। तो दोस्तों, ये था रैप अप अरुण गोविल के लाइफस्टाइल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।